स्टॉक है पीरामल, पीरामल इंटरप्राइजेस है अकोला से हर्षद के पास, प्रॉफिट कमा रहे हैं अभी तो ये, इन्होंने इसे खरीदा है 1937 के लेवल्स पर, ज्यादा पुरानी खरीद लग रही है, हाँ जून की खरीद है इनकी, ओके ठीक है 2 महीने ही हो रहे हैं, तो जब से इन्होंने खरीदा उसके बाद हमने इसे एक दायरे में ही देखा है, अभी भी अगर देखें तो प्रॉफिट हो रहा है, बहुत कम प्रॉफिट है, 100 शेयर है इनके पास। आज कुछ खबर भी आ रही है डिबेंचर्स को लेकर के, आपको कैसा दिख रहा है पीरामल इंटरप्राइजेस? प्रियंका मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में ऑलरेडी स्लिप हो चुका है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1860 एक निर्णायक लेवल होगा, और अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे स्लिप हो जाता है तो डेफिनेटली और मंदी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है, बट जिस तरीके से बिल्टअप से मुझे लग रहा है यहाँ पर होल्ड करना चाहिए स्टॉक, इनफैक्ट एक ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 2040 के आसपास, अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में 2160-2200 तक का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1860 के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए, थोड़ा सा और कंसोलिडेशन मोड में रहेगा तो स्टॉक बेटर है, जब तक 1860 के नीचे स्लिप नहीं होता आई थिंक तब तक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बायस बरकरार रहेगा, और जैसे ही 2140 लेवल्स ब्रीच होते हैं तो एक अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में वापस आ सकती है। ओके अभी होल्ड कीजिए, अगला स्टॉक अब लेकर आते हैं आपके लिए और वो है विप्रो का, ओपी शर्मा चंडीगढ़ से, होल्ड करते हैं विप्रो, बाइंग प्राइस इनकी 298 रही है और उससे नीचे है स्टॉक, मई में खरीदा है शर्मा जी ने विप्रो को, 400 शेयर होल्ड करते हैं, कैसा दिख रहा है विप्रो आपको, एक नीचे की तरफ का सफर अभी तय करता हुआ हमें जांच में नजर आ रहा है विप्रो, आप कहाँ देख रहे हैं सपोर्ट है इसके लिए? देखिए काफ़ी गहरा करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है, अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पर जो करेक्टिव वेव थी एक हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर एक कंप्लीशन की कगार पे है, उसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी स्टॉक में आ सकती है, इनफैक्ट 265-268 एक अच्छा जोन है जहाँ पर मैं अक्यूमलेट करने की सलाह दूंगा, और अगर उनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है वो होल्ड करनी चाहिए, 255 का स्टॉप लॉस होगा इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में एंड एक रिव्यू जोन होगा वापस 300 के आसपास, अगर इनकी टाइम फ्रेम है अराउंड 1-2 महीना तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और अक्यूमलेट करना चाहिए 255 के स्टॉप लॉस के साथ। दीपक फर्टिलाइजर ये है अगला स्टॉक, उर्वेश पटेल का सवाल है, 200 शेयर ये होल्ड करते हैं, 147 इनकी बाइंग प्राइस रही है, दीपक फर्टिलाइजर वन ऑफ दो स्टॉक है सचिन जिसमें हमने एक अच्छी खासी प्री बजट रैली देखी थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं एक नीचे की तरफ जो है एक डिक्लाइन नजर आ रहा है, आप क्या करने की सलाह देंगे 147 इनकी बाइंग प्राइस? देखिए इनकी बाइंग प्राइस डेफिनेटली थोड़ी सी ऊपर की है बट जिस तरीके से अभी फिलहाल स्टॉक प्लेस्ड है मुझे लग रहा है एक लॉन्ग टर्म अक्यूमुलेशन जोन के आसपास पहुंच चुका है, 105 से लेकर 90 तक का एक जोन है जहां पर आई थिंक स्टॉक में हिस्टोरिकली देखा है वहां पर काफ़ी अच्छे स्टेबल मूव्स नजर आए थे, तो मुझे लग रहा है जब तक ये पर्टिकुलर जोन मेंटेन्ड है मुझे लग रहा है वहां पर उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट मैं थोड़ी सी अक्यूमुलेट करने की ही यहां पर सलाह रखूंगा सिंस ये स्टॉक अभी काफ़ी गहरे करेक्शन में से कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है, यहां पर स्टॉप लॉस डेफिनेटली उनको 80 का लगाना चाहिए एंड पोजिशन थोड़ी सी होल्ड करनी चाहिए, थोड़ा पेनफुल होगा बट डेफिनेटली ये पर्टिकुलर लेवल ऐसा नहीं है जहां पर आपको ये स्टॉक एग्जिट करना चाहिए, एक अच्छे सपोर्ट जोन के नज़दीक है तो 80 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। दिवान हाउसिंग गुरप्रीत सिंह होल्ड कर रहे हैं 30 शेयर, इन्होंने से अक्टूबर में खरीदा, अक्टूबर 2018 की खरीदे 300 पे खरीदा, काफी लॉस हो रहा है इसके बारे में तो हमें पता ही है, काफी इसने नीचे के दायरे को टेस्ट किया है, वैसे आज एक खबर ये जरूर आ रही है कि अपना रेजोल्यूशन प्लान जो है वो अब पेश करने वाली है, तो आपको कितना भरोसा दिख रहा है, लेकिन देखिए कहाँ खरीदा था 300 पे और कितने सारे नुकसान में बैठे हैं गुरप्रीत? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक में 120-110 के आसपास ट्रेडिंग नहीं होती आई थिंक तब तक ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटर नहीं होगा, तो अगर यहाँ पर बाउंस बैक आते हैं या होप पे नहीं रहना चाहिए, इनफैक्ट डेफिनेटली इसमें इस पर्टिकुलर स्टॉक से अभी भी एग्जिट करने की सलाह होगी, स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, अगर यहाँ पर फ्लैश रिप्लेस आते हैं तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी भी अराउंड 50-55 जोन के आसपास स्लिप हो सकता है, तो बेटर है कि आप इस पर्टिकुलर होप में ना रहें, 110-120 का दायरा अगर वापस आ जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक बार रिव्यू कीजिए, वो ट्रेंड इवॉल्व होने दीजिए, तब तक इस पर्टिकुलर स्टॉक को अवॉइड कीजिए।
ठीक है, अवॉइड लिस्ट में है दीवान हाउसिंग सच्चिदानंद के लिए, और यहाँ पर एग्जिट की सलाह आपको देते हुए तो स्टॉक्स फटाफट में, दीवान हाउसिंग हमारा आखिरी स्टॉक रहा, इतना ही समय हमारे पास था, रैपअप करते हैं स्टॉक फटाफट को और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अंदाज अब स्टॉक फटाफट का नहीं होगा, अंदाज ये होगा कि